हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनवरी 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो देखा जाए तो पूरे जनवरी में करीब 700 से 800 करंट अफेयर्स के प्रश्न हो जाएंगे, लेकिन इन सबको याद रखना थोड़ा इम्पॉसिबल है। जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जनवरी 2020 के, उनको ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे प्रश्न आपके आगामी सभी एग्जाम्स जैसे रेलवे NTPC, ग्रुप डी, SSC, तमाम सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। वीडियो के लास्ट में हमेशा की तरह आपसे एक अभ्यास प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम क्या रखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आपके ऑप्शंस हैं, और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 3 सेकंड में आप अपना करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा, उसके बाद मैं स्वयं आपको उत्तर बता दूंगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ध्यान दीजिएगा, ये जो कोलकाता पोर्ट है यह एक नदी पोर्ट है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, यह एक नदी पतन है और इसका अब नया नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये रहा कोलकाता पोर्ट। दूसरा प्रश्न है, किस जिले ने 2020 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार जीता है। आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिब्रूगढ़। ध्यान दीजिएगा, ये डिब्रूगढ़ जो है ये असम में है। असम की राजधानी है दिसपुर, असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। ये आप देख रहे हैं, सर्बानंद सोनोवाल हैं, ये असम के मुख्यमंत्री हैं। तो आप इन सबको याद रखिएगा, असम के मुख्यमंत्री, असम के राज्यपाल और असम की राजधानी। CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, और फ्रेंड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, AP महेश्वरी। आप यहाँ देख रहे हैं, ये हैं AP महेश्वरी। इससे पहले CRPF के महानिदेशक थे, कौन थे, राजीव राय भटनागर, जो अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में CRPF के महानिदेशक हैं AP महेश्वरी। चौथा प्रश्न है, भारत की पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई किस राज्य में शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। ध्यान दीजिएगा, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। और साइबर अपराध रोकथाम इकाई की शुरुआत की गई है गुजरात में। 5 नंबर है, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 जनवरी को। यह क्यों मनाया जाता है, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। आपको याद रखना है 9 जनवरी 1915 को, 1915 में। और यह 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है कब से, 2003 से। यह रहा प्रवासी भारतीय दिवस का लोगो। तो आप पिक्चर को भी देखिए और प्रश्न को भी ध्यान से पढ़िए, इस तरह से आपको ये जो सारा इमेज है आपके माइंड में सेट हो जाएगा और काफ़ी लंबे समय तक ये सारा आपको याद रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। 6 नंबर है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है। आपके ऑप्शंस हैं, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जापान। जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है। ध्यान दीजिएगा, भारत इस इंडेक्स में 84वें स्थान पर रहा है। भारत का स्थान क्या रहा है, 84 रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर है, स्पेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। आपके ऑप्शंस हैं, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेड्रो सांचेज। ये रहे पेड्रो सांचेज, ये स्पेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ध्यान दीजिएगा, स्पेन की जो राजधानी है वो कहाँ है, मैड्रिड है, और स्पेन की जो मुद्रा है वो है यूरो।
दोनों ध्यान रखिएगा, स्पेन की राजधानी मैड्रिड और यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो है। 8 नंबर है, सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोज शशिधर। मनोज शशिधर को संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है सीबीआई का, ये है मनोज शशिधर। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सीबीआई के जो निदेशक हैं वो हैं ऋषि कुमार शुक्ला। 9 नंबर है, द विनिंग सिक्सर के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, W.V. रमन। ये रहे W.V. रमन और ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं और इन्होंने ही द विनिंग सिक्सर नामक पुस्तक लिखा है और इस पुस्तक का औपचारिक रूप से अनावरण किसने किया है, तो अनिल कुंबले ने किया है। तो आप ध्यान रखिएगा किसने रिलीज किया है, अनिल कुंबले ने, और किसकी पुस्तक है द विनिंग सिक्सर, तो ये है W.V. रमन। 10 नंबर है, किसे रूस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, मिखाइल मिशुस्टिन। ये रहे मिखाइल मिशुस्टिन, इससे पहले थे दमित्री मेदमेदेव। हाल ही में दमित्री मेदमेदेव को प्रधानमंत्री से हटाकर नए प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन को नियुक्त किया गया है, अब ध्यान देख पा रहे हैं। और रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। 11 नंबर है, 2020 रोम रैंकिंग सीरीज में महिलाओं की 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आपके ऑप्शंस हैं और इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विनेश फोगट। ध्यान दीजिएगा, जो विनेश फोगट हैं ये रेसलिंग से संबंधित हैं और ये 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये रही विनेश फोगाट, आप यहाँ देख रहे हैं, ये है विनेश फोगाट और ये रेसलिंग से संबंधित है और ये किस राज्य की हैं, तो हरियाणा की हैं। 12 नंबर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का हाल ही में किस शहर में अनावरण किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद। और इसका अनावरण किसने किया है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने। और फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रतिमा है यह कितनी है, 50 फीट ऊंची है। आपको ध्यान रखना है कितनी फीट ऊंची है, 50 फीट ऊंची है और इसका जो वजन है वो है 70,000 किलोग्राम। आपको याद रखना है 70,000 किलोग्राम इसका वजन है। और इसका भी डिज़ाइन किसने किया है, रामवी सुतार ने ही किया है, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन किया था, उन्होंने ही इसका भी डिज़ाइन तैयार किया है। 13 नंबर है, सांस्कृतिक उत्सव लाई हरोबा किस शहर में मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अगरतला। ध्यान दीजिएगा, ये जो लाई हरोबा फेस्टिवल है यह मणिपुर की एक जनजाति है जो मेटी जनजाति है। ध्यान दीजिएगा, मेटी जनजाति है मणिपुर की, उन्हीं का यह फेस्टिवल है और इसका जो आयोजन हुआ है यह मनाया गया है, यानी यह मनाया गया है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। तो आपको ध्यान रखना है ये किसकी है, मेटी जनजाति का फेस्टिवल है और इस वर्ष इसका आयोजन यानी इसको कहाँ मनाया गया, ये मनाया गया है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर है, हाल ही में बेंगलुरु में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? आपके ऑप्शंस हैं और फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 107वां संस्करण। इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह इसका उद्घाटन किया है और इस वर्ष बेंगलुरु में 107वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। इस बार की थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, तो थीम आपको याद रखना है, थीम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 15 नंबर है, 14वीं ग्लोबल हेल्थ केयर समिट का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं कोची, विशाखापट्टनम, चेन्नई या फिर तिरुवनंतपुरम। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम में। 16 नंबर है, Under-20 श्रेणी में विश्व नंबर 1 स्थान पाने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव ठक्कर। ये रहे मानव ठक्कर, ध्यान से इनको देखिए,
आपके दिमाग में इनका इमेज सेट हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा अंडर 21 श्रेणी में वर्ल्ड नंबर वन स्थान पाने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ध्यान दीजिएगा, टेबल टेनिस की बात आई है तो आपको मनिका बत्रा का नाम ध्यान रखना है। मनिका बत्रा भी टेबल टेनिस से ही संबंधित हैं। 17 नंबर है, विश्व ब्रेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं और इसका सही जवाब है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस लुई ब्रेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 18 नंबर है, किसे एक वर्ष की अवधि के लिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में बनाए रखा गया है? यानी इनको फिर से नियुक्त किया गया है, इनका जो कार्यकाल है वह एक वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वीके यादव। ये रहे वीके यादव, ये वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। 19 नंबर है, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। ध्यान रखना है, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन या नई दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन था और इसका नाम बदलकर अब सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया गया है। किस देश ने FMD को नियंत्रित करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम का शुरुआत किया है? आपके ऑप्शंस हैं फिनलैंड, भारत, फ्रांस या फिर अमेरिका। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, FMD को नियंत्रित करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत भारत ने की है। 21 नंबर है, ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2020 यहाँ होगा फ्रेंड, बना लीजिए 2020 के लिए विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको मिलेगा? तो आपके ऑप्शंस हैं जी वेंकटरमन, जयंत वीर नारनीकर, आर रामानुजम, डी बालासुब्रमण्यम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर रामानुजम। ये हैं आर रामानुजम। और फ्रेंड, ये इनका नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चेन्नई के कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं और इन्हें वर्ष 2020 के लिए विज्ञान की लोकप्रियता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा 1986 में शुरू किया गया था और प्रत्येक 3 साल पर यह एक बार दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, और इस वर्ष का किनको दिया जा रहा है? आर रामानुजम को। यह है हीरो भारतीय महिला लीग, या आप यहाँ लोगों देख रहे हैं इंडियन वुमेन्स लीग, इसका आयोजन किस शहर में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं और फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कहाँ किया गया, बेंगलुरु में। और ध्यान रखना है ये हीरो इंडियन वुमेन्स लीग का 4th एडिशन है, यानी चौथा संस्करण इस बार आयोजित किया जा रहा है। आपको याद रखना है 4th एडिशन है। 23 नंबर प्रश्न है, विश्व ब्लिट संतरण चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं और फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नस कार्लसन। आपको ध्यान रखना है कि मैग्नस कार्लसन जो है ये कहाँ के हैं, ये हैं नॉर्वे के। ये रहे मैग्नस कार्लसन, इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सड़क परिवहन निगम ने दामिनी नामक एक समर्पित महिला हेल्पलाइन शुरू की है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है किसने शुरू किया है, उत्तर प्रदेश शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल। यह जो दामिनी एप्लीकेशन है इसको शुरू किया है किसने, UPSRTC यानी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने। और यह क्या है, एक कॉलिंग और व्हाट्सएप सेवा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नाम बदलकर किस सेवा के रूप में रखा गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ध्यान दीजिएगा कि जो RPF का नाम बदला गया है उसके जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल, वो अरुण कुमार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 26 नंबर प्रश्न पे आते हैं।
नए सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आपके ऑप्शंस हैं मनोज मुकुंद नरवा ने, वीके सिंह, दलवीर सिंह सुहाग या फिर प्रवीण बख्शी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुकुंद नरवाने, यानी मनोज मुकुंद नरवाने। ये हैं मनोज मुकुंद नरवाने। और फ्रेंड सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें बात है वो है इनका क्रम। आपको इनका क्रम याद रखना है। इनका क्रम क्या है? 28, यानी ये 28वें नंबर के सेना प्रमुख हैं। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे विपिन रावत, जो वर्तमान में अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला है? आपके ऑप्शंस हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। अभी हमने गुजरात पे चर्चा किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। 28 नंबर है, रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या रखा गया है? फ्रेंड सबसे पहले आप जानिए रोहतांग सुरंग कहाँ है। यह है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और अब रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या हो गया है? तो 3 सेकंड का आपको टाइम है, आप राइट आंसर चूज कर लीजिए। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, अटल टनल। ध्यान रखिएगा क्या हो गया, अटल टनल। 29 नंबर है, हाल ही में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कहाँ शुरू की जाएगी, कोलकाता शुरू की जाएगी। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और वहाँ के राज्यपाल हैं जयदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका नाम, ध्यान रखिएगा। 30 नंबर है, हाल ही में किसकी आत्मकथा रिलेंटलेस का विमोचन किया गया? तो फ्रेंड इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यशवंत सिन्हा। और इसका विमोचन किसने किया है? इसका विमोचन भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया है। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं और फ्रेंड्स अभी हमने पिछले प्रश्नों में इसकी चर्चा की थी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, राजीव राय भटनागर। इससे पहले ये CRPF के डायरेक्टर जनरल थे और अब ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के राधा कृष्ण माथुर। तो ध्यान रखिएगा लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ये हैं राजीव राय भटनागर। नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रियदर्शनी गोविंद। ये हैं प्रियदर्शनी गोविंद। और नृत्य कला निधि पुरस्कार यह तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है और किस क्षेत्र में? तो नृत्य के क्षेत्र में। और इस वर्ष किसे दिया गया है? प्रियदर्शनी गोविंद को। 33 नंबर है, हाल ही में किस राज्य ने गरीबों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करने के लिए आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है? तो फ्रेंड ये किया है किसने? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और ध्यान दीजिएगा आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी 3 राजधानियाँ हैं। ध्यान दीजिए कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम है, न्यायिक राजधानी कुरनूल है और विधायी राजधानी अमरावती है। ध्यान रखिएगा 3 राजधानी किसकी हो गई है? आंध्र प्रदेश की। झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ ली है, यह किस पार्टी से संबंधित है? यहाँ थोड़ा सुधार कीजिएगा फ्रेंड, यह किस पार्टी से संबंधित है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। आपके ऑप्शंस हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड जन मुक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये रहे हेमंत सोरेन। इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखिएगा कि जो झारखंड की विधानसभा है उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? उसके अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, कौन बने हैं? रविंद्रनाथ महतो।
डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का 11वां द्विवार्षिक संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाना है? आपके ऑप्शंस हैं, और फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा। इससे पहले इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था, ठीक है, 2018 में चेन्नई में किया गया था, अब 2020 में इसका आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। नसीम अल बहर नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच का अभ्यास है? तो आपके ऑप्शंस हैं, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओमान। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ओमान की राजधानी मस्कट है। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट है। ये है नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ओडिशा में किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, ओडिशा में इसका आयोजन किया जाएगा। AEPC, यहाँ थोड़ा सुधार कीजिएगा फ्रेंड, यहाँ AEPC, ठीक है, ध्यान रखिएगा AEPC, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा AEPC, इसका फुल फॉर्म होता है अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके अध्यक्ष बन गए हैं कौन? ए शक्तिवेल। ध्यान रखिएगा, ये हैं ए शक्तिवेल, और ये APE के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे 2019 का हिंदी वर्ड चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं, और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, संविधान। संविधान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा वर्ष 2019 का वर्ड चुना गया है। आप कह सकते हैं वर्ड ऑफ द ईयर। 40 नंबर है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं, और फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साउथ अफ्रीका। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? साउथ अफ्रीका में हुआ है, और अभी यह टूर्नामेंट जो है अभी यह चल रहा है। ग्लोबल लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर रहा है? ध्यान दीजिएगा, भारत रहा है इसमें किस स्थान पर? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 51वां। पिछले वर्ष भारत था 41वें स्थान पर, और 10 अंक की गिरावट हुई है भारत के रैंकिंग में, और भारत अब 51वें स्थान पर है। और इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको जारी करता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस, ठीक है फ्रेंड। और ध्यान दीजिएगा, पहले स्थान पे नॉर्वे है, और 167वें स्थान पर उत्तर कोरिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 42 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2020 का मेजबानी करेगा? यानी इसका आयोजन कहाँ होगा, किस शहर में होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। और अभी मैंने बताया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी है। 43 नंबर है, दो दशकों के बाद टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं, और फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फवाद मिर्जा। ये रहे फवाद मिर्जा, और ये दो दशक के बाद ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले घुड़सवार बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, फवाद मिर्जा ये कहाँ के हैं? ये बेंगलुरु के हैं, इम्पोर्टेंट है। और 2019 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था। फवाद मिर्जा को 2019 में अर्जुन अवार्ड मिला था। और फवाद मिर्जा कहाँ से रहने वाले हैं? तो ये बेंगलोर के रहने वाले हैं, यानी कर्नाटक राज्य से ये संबंधित हैं। 44 नंबर है, 2020 महाराष्ट्र केसरी का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं, और फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन सदगीर। ये हैं हर्षवर्धन सदगीर, आप इन्हें देख रहे हैं, ये गदा है लिए, ये हैं हर्षवर्धन सदगीर, और इन्हें 2020 महाराष्ट्र केसरी का खिताब दिया गया है। 45 नंबर है, विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 जनवरी को। ध्यान दीजिएगा, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस दोनों मनाया जाता है, विश्व हिंदी और विश्व हास्य दिवस। और इस बार की थीम थी विश्व हिंदी दिवस की, न्यू वर्ल्ड। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ लिखता हूँ न्यू वर्ल्ड,
न्यू इंडिया और न्यू हिंदी, याद रखना है न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया और न्यू हिंदी इस बार विश्व हिंदी दिवस की थीम थी। 46 नंबर है, किस बैंक ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए माई एप्स एप्लीकेशन का अनावरण किया है? आपके ऑप्शंस हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HDFC। ध्यान दीजिएगा HDFC की स्थापना हुई थी 1994 ईस्वी में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक हैं कौन है? आदित्य पुरी। ध्यान रखिएगा कौन है? आदित्य पुरी हैं। हाल ही में किस राज्य ने अम्मा बोर्डी योजना शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं और फ्रेंड सबसे पहले आप जान लीजिए ये अम्मा बोर्डी योजना है क्या। ये अम्मा बोर्डी जो योजना है यह जो गरीबी रेखा के नीचे के बच्चे हैं उनको शिक्षा मुहैया कराएगी। इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा से नीचे बच्चों को शिक्षा मुहैया कराना। और अम्मा बोर्डी योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और अभी हमने चर्चा किया है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। पहला मुप्पावरपु वेंकैया नायडू पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन। ये रहे MS स्वामीनाथन, आप इनको जानते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला मुप्पावरपु वेंकैया नायडू पुरस्कार। 49 नंबर है, वर्ष 2020 के लिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पूछा जा रहा है कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं और फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 41। ध्यान दीजिएगा पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 16 लोगों को दिया गया और पद्मश्री 118 लोगों को दिया गया। और कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? इन दोनों तीनों को जोड़ दीजिए तो टोटल 141 हो जाते हैं। अगर आपने पद्म पुरस्कार वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए। वहाँ मैंने ट्रिक से बताया है और साथ ही साथ जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी मैंने उस वीडियो में कवर किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओइनम बेमबेम देवी को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है, ये किस खेल से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं ये 101% कह रहा हूँ कि आपके जो भी आगामी एग्जाम होंगे उसमें यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फुटबॉल। ये हैं ओइनम बेमबेम देवी, ये कहाँ की हैं? मणिपुर की हैं। आपको ध्यान रखना है ओइनम बेमबेम देवी का संबंध फुटबॉल से है और ये मणिपुर की हैं। 51 नंबर है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ को वर्ष 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं और फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मॉरिशस। ये हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इनको इस वर्ष का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। इन 7 लोगों में ये भी शामिल हैं जिनको पद्म विभूषण दिया जाएगा। वर्ष 2020 में भारत के किस क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया गया, यानी भारत ने किस क्रम का अपना गणतंत्र दिवस मनाया है? आपके ऑप्शंस हैं और राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 71वां, यानी 71st गणतंत्र दिवस इस वर्ष मनाया गया है। और मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। कोबे ब्रांड का हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बास्केटबॉल। और कोबे ब्रांड कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे और हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मौत हो गई है, ये मात्र 41 वर्ष के थे। 2019 के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया है, इस सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड और जितने भी 2020 में जनवरी में जो इंडेक्स जारी किए गए हैं उन पर एक स्पेशल वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 80। गणतंत्र दिवस 2020 में किस महिला सिग्नल कॉर्प्स का नेतृत्व किया, किसने, यहाँ सुधार लीजिए, गणतंत्र दिवस 2020 में किसने महिला, किस महिला ने, यहाँ बना लीजिए, किस महिला ने सिग्नल कॉर्प्स का नेतृत्व किया? आपके ऑप्शंस हैं
और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तानिया शेरगिल। यह हैं तानिया शेरगिल और इन्होंने इस वर्ष सिग्नल कॉर्प्स का नेतृत्व किया। 56 नंबर प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? आपके ऑप्शंस हैं और फ्रेंड इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देकर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स ये थे जनवरी 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।